पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज ने ऐलान किया सी कि हर घर में 10 करोड़ आवाम को राशन भी दिया जाएगा रमजान का, वो मिला? कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ गल्ला ने सारे, कुछ भी नहीं हैगा। ये पंजाब हुकूमत जड़ी राशन दे रही है लोगों नु घर घर, वो राशन मिलया तानू? नहीं सानू भी कोई नहीं। आपने कोशिश की है यूनियन काउंसिल पे जगह? हां यूनियन काउंसिल पे, जैसे वो बोलते हैं कि मतलब कि आप 80-70 में मैसेज करें उस पे आईडी कार्ड के, मतलब मैसेज भी किया बट नहीं कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला कुछ? वो भूखे मर जान, ए चली मरियो नमाज जेड़ी किताबे मर जान के 50,000 तो ज्यादा कमाण वाला जेड़ा बंदा ना महीने दा, हां ओनु राशन नहीं मिलेगा? ओ यार 50 किसों दिहाड़ी करने आ सी, 50 किसों कमाने आ। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो 30 अरब रुपए की सब्सिडी राशन तकसीम करने के हवाले से अनाउंस की गई थी मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, निगेबान रमज़ान पैकेज जो लोगों के डोर स्टेप तक उनका राशन पहुँचाया जाना था, 10 करोड़ आवाम ने इससे मुस्तफ़ीद होना था, लेकिन अब तक एक अशरा गुजर चुका है, दूसरा अशरा भी शुरू हो चुका है, अब तक सिर्फ 3 लाख रिपोर्टेडली बताया जा रहा है खानदानों तक राशन पहुंचा है। बाकी तकरीबन पंजाब की आबादी के बारे से बात करें तो पंजाब की कुल आबादी जो है वो तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा है, तो 10 करोड़ आवाम तक क्या रमज़ान से पहले पहले इस महीने के अंदर अंदर राशन पहुंच पाएगा? शुरू करते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दो काटा दे जी, पेट दे खड़ो खड़ो गए, कहंदे दो दिन नहीं मिल रहा, पेट दे धक्के खा गए के रोजे खड़ो। ताड़ी ताड़ी आमदनी 50,000 तो ज़्यादा महीने राशन नहीं मिलेगा बुजुर्ग बंदे ठीक है, वैसे स्कीम ये क्या चलाई? स्कीम अच्छी है लेकिन उन्होंने कहो जाके कि रोजगार कोई नहीं बुजुर्गों का, जो दिहाड़ी भी लाने बेचारे 1,000 रुपया भी लैन दे ते की है 20,000 रुपये इन्हें दिहाड़ी दी महीने का बनता इनकम जी मैं कुछ दस 50,000 तो है ही नहीं इनकम इन्हें राशन नहीं मिले, बड़े फेरे लाए कोई कि पास नहीं मिले है। पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज ने ऐलान किया सी कि हर घर में 10 करोड़ आवाम को राशन भी दिया जाएगा रमजान का, वो मिला? कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ गल्ला ने सारे, कुछ भी नहीं हैगा। जाके देन मेरे महल चाहो जाके शनाती कार्ड साढ़े ले आ, सानू कोई शै नहीं दिती, कुछ भी नहीं दिता, सिर्फ लैना च लगते दलील होके वापस आ जाइए। आ शुक्र है कि आटा मिल गया, ये 5 किलो 10 किलो? हाँ जी ये 10 किलो था जी, 10 किलो आटा मिला जी। अस्सलाम वालेकुम। तानू को मिलया राशन? नहीं मिलया, मैं तो रंडी रानवा, मैंने तो भी नहीं मिलया। नहीं मिलया? नहीं। शनाख्त कार्ड दिखाया सी तुसी? शनाख्त कार्ड भी दिखाया। दिखाया उधर, एक मिनट दिखाओ शनाख्त कार्ड दिखा। ये आईडी कार्ड पकड़ के जो लोग हैं इस वक्त वो दलीलो ख्वार हो रहे हैं लेकिन इनको राशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। कौन से पंजाब में आपने राशन जो है वो तकसीम किया है? यहाँ पे तो पब्लिक जो है वो बगैर राशन के ही पैसे देकर भी लाइनों में लगकर आटा खरीदने में मजबूर है, तो जो राशन उनके डोर स्टेप पर उनके घर में उनकी दहलीज तक पहुँचाना था जो वादा किया था आपने, और जो 64 अरब रुपए की सब्सिडी थी जिसमें से 30 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ निगेबान रमज़ान पैकेज के तहत लोगों को मिलनी थी, वो कहाँ पर है? आपको वो राशन मिला है वो जो मरियम नवाज ने ऐलान किया? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। नहीं मिला? फोटो कॉपी जमा करवाई है। अच्छा, और नहीं दे रहे? नहीं। वो कब जमा करवाई थी? तकरीबन एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया? एक हफ्ते में कोई चीज़ नहीं मिली, कोई रब्ता नहीं हुआ? रब्ता 2-3 मरतबा गए हैं यूनियन काउंसिल, वो आ जाएगा नहीं मिल रहा। यूनियन काउंसिल में चक्कर लगाए लेकिन अभी तक नहीं मिल चुके हैं। दिखाएं इधर, ये डिसेबल भी है, हैंडीकैप है, और ये तो मुस्तहक कहा था ना आपने, ये जो फ्लेक्सेस भी और जो तशहीर भी बड़ी हो रही है कि मुस्तहक अफराद तक जो है वो राशन पहुंचेगा, उनसे पूछते हैं।
ये कहते हैं वजीर आजम दे रहा है कुछ सब्सिडी, ये अलग है ना। कुल मिला के 65 अरब रुपए की सब्सिडी है, जो 30 अरब रुपए की है वो राशन में मिलनी थी। बस हम तो देख रहे हैं कि ये लोग ले रहे हैं, मेरी तो ये दुकान है, मैं तो आपका कुछ जानने वाला को मुलाजिम मुस्तफीद हुआ है, आपको किसी को राशन मिला है जो आपने सुना होगा भाई हाँ जी मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से राशन मिला? हाँ वो राशन सुना है लोगों से, वो भी मिला। और यहाँ ये जो आटे वाले, ये तो रोज सारा दिन मैं देखता हूँ, उस दिन भी आए थे लोग 650 में 10 किलो का थैला जो नंबर पे लगते हैं, तो वो शनाचकार वो भी सारा दिन खड़े होने के बाद मिलता है, लाजिम बात है वो। तो फिर अभी ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे जी? बेटा ये कहना चाह रहे हैं ये जो हमारी लेने लगती है, मैं अभी 11 बजे का अगर यही राशन हमें पैसों के साथ अगर दुकान में मिल जाए तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है कि हम आए दुकान पे? सबसे अच्छी बात है, हम तजलील भी नहीं होती, इज्जत नफ्स भी मजरूर नहीं होती, लाइनों में भी नहीं लगना पड़ता। बेटा यहाँ पे ये अभी तो आटा भी खत्म कर दिया, लाइन खत्म होगी बहुत, मैं सुबह 10 बजे का आया हूँ। बड़ी मेहरबानी है अगर हमें दुकानों में इसी रेट में रमजान रमजान दे दे तो इनका एहसान होगा, बाकी जो अल्लाह बेहतर करे। मेहरबानी सर, आसानी मिल गया आसानी से? जी आसानी से ही मिल गया जी। कितनी देर लगे लाइन में? तकरीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लाइन में, और इसको आसानी कह रहे हैं? मिल गया इतना ही काफ़ी है। जो सब्सिडी का ऐलान किया गया था, यूटिलिटी स्टोर का अहवाल हमने आपको बताया, ये वीडियो लिंक है, अगर आपने अभी तक यूटिलिटी स्टोर वाली वीडियो नहीं देखी है तो बायो में उसका लिंक दे देता हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह धक्कम पेल हुई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लोग जो है वो आटे के हसूल के लिए गए, और पैसे देने के बावजूद भी जलालत और लोगों को पूरा पूरा दिन जो है वो खड़ा रखा गया, उसके बाद जाके आटा दिया गया। कि जब भी ये हुकूमत आई इनका एक शेवा रहा है कि आवाम को लाइनों में लगा के चीज़ें दो, आवाम को भिखारी बना दिया है, और इस वक्त लोग जो है वो राशन के हसूल के लिए, आटे के हसूल के लिए रोज़ का दाल दलिया किस तरह से चलाना है लोगों के लिए ये भी मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ये पंजाब हुकूमत की स्कीम ठीक है राशन देने वाली? पता नहीं, हमें तो अभी तक मिला नहीं। नहीं मिला? आपने कोशिश की है यूनियन काउंसिल पर जगह? हाँ यूनियन काउंसिल पे, जैसे वो बोलते हैं कि मतलब कि आप 80-70 में मैसेज करें, उस पर आईडी कार्ड के मतलब मैसेज भी किया बट नहीं, कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला कुछ? वैसे रिलेटिव का कुछ पता चला है कि एक दो को मिला है बस, उसके अलावा तो नहीं। हमें सुना ही है सर, हमें सुना ही है। ठीक है, कैसी तबीयत? तबीयत ठीक है सर। ये जो पंजाब हुकूमत की राशन वाली स्कीम है, आप लोगों को मैसेज किया है वो 812 पे को? हमने किया था, हमें मिला ही नहीं। नहीं मिला? नहीं, वो बता रहे हैं आप अहल हैं? नहीं, वो कह रहे हैं नहीं अहल। बेनजीर इनकम सपोर्ट नहीं करना आपका? आपकी आमदनी 50,000 से कम है? हमारी आमदनी सर कुछ भी नहीं है, 30 कभी 30 कभी 35 हज़ार अगर महीना लगे तो। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा था कि 50,000 से कम आमदनी वालों को राशन दिया जाएगा। हमने हेल्पलाइन पर भी कॉल की तो नहीं कुछ भी, यानी कि उन लोगों ने कहा आप ना अहल है। आप ना अहल? यूनियन काउंसिल नहीं गए? यस। कहते कोई नहीं। आईडी कार्ड दिखाया? हां दिखाया। की कहते अहल है कि वो नहीं है? अहल है, वो अहल है। आई मिले को मिला कुछ? कितनी देर हो गई? हां फिर मंगल कराया। अच्छा तो कौन की कहते? लारा की लाया मैंने। लारा के नहीं आएगा तो फोन करा, फोन नंबर लिया। फोन नंबर ले नु? कितने दिन हो गए? आज 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए, यानी 8 रोजे लांगे। 8 दिन रमजान गुजर जाएगा फिर राशन मिलेगा? देखो की बात। नहीं मिला राशन? नहीं मिला जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? ये पंजाब हुकूमत की स्कीम ठीक है ये राशन बांटने की?
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀਰੇ ਕਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਤੁਹਾਡੀ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਨਾ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ जी ये थी आज की वीडियो। आप लोग बताइएगा कि क्या ये पंजाब हुकूमत की राशन तकसीम करने की स्कीम अच्छी है ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो मुझे मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन वो ये है कि लोगों को इस तरह दलील करके राशन देने से बेहतर था कि आप स्टोर्स के ऊपर, जनरल स्टोर्स के ऊपर, रिटेल स्टोर्स के ऊपर कुछ सब्सिडी दे देते, लोगों पैसे दे के वहाँ से चीज़ खरीदते और सस्ती चीज़ मिल जाती, बजाय इसके कि लोगों को लाइनों में लगाया जाता है, यूनियन काउंसिल में धक्के खाए जाते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर लोग जलील ख्वार हो रहे हैं और वहाँ पर उनको राशन या आटा नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोज भी पहुँचते रहें।